हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीजीएल 2024 विधि के अभी तक हुई 24 शिफ्टों के में से जो सबसे हार्ड 7 शिफ्ट हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये 7 शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट में बताएंगे, इजी शिफ्ट हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हम इजी शिफ्ट बता देते हैं तो आप सभी बोलते हो कि ये शिफ्ट इजी नहीं है, मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड है। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी उसमें जिसकी मैंने इजी शिफ्ट बता दी थी, तो वो कुछ भी कह रहा था कमेंट में कि नहीं मेरी तो सबसे हार्ड है, मेरी इजी क्यों बता दी। इसलिए हम ओनली हार्ड शिफ्ट बताएंगे इसमें। इजी हम 24-26 तारीख के बाद जब हमारी 36 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी उसमें हम कंप्लीट एनालिसिस लेके आएंगे, जिसमें सबसे हार्ड शिफ्ट भी बताएंगे और सबसे इजी शिफ्ट भी बताएंगे। कंप्लीट एनालिसिस होगा इसमें। अभी हम ओनली सबसे हार्ड शिफ्ट हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर हम डालेंगे वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर देना है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो है 18 सितंबर शिफ्ट 3। जो 18 सितंबर को शिफ्ट 3 हुई थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो टॉप 7 में शिफ्ट बता रहा हूँ ये शिफ्ट ऊपर नीचे हो सकती हैं आंसर की आने के बाद, या नॉर्मलाइजेशन स्कोर होने के बाद ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 18 सितंबर शिफ्ट 3 हमेशा फर्स्ट भी रहेगी आंसर की आने के बाद भी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि इनमें बहुत ही कम मार्जिन है देखा जाए तो। ये आप सभी शिफ्ट हार्ड हैं तो इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं 1-2 नंबर से 3 नंबर से। तो आप ऐसा ना समझना कि फर्स्ट है तो ये फर्स्ट है, मैं टॉप 7 बता रहा हूँ क्योंकि थाला फॉर ए रीजन, इसलिए मैं ओनली 7 शिफ्ट सबसे हार्ड हैं वो लेकर आ जाऊँ इस वीडियो में, ठीक है। तो जो सबसे हार्ड है वो फर्स्ट नंबर पर मैंने रखी है 18 सितंबर शिफ्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट आती है वो है 17 सितंबर को जो 3rd शिफ्ट हुई है वो 22nd नंबर पर है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट में 17 सितंबर जो शिफ्ट 3 है वो टॉप 2 में आ जाती है हमारी, और जो 3rd नंबर पर हमारी आएगी वो आएगी 10 सितंबर शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 10 सितंबर को जो शिफ्ट 1 हुई थी वह टॉप 3 हार्डेस्ट शिफ्ट में हमारी आ जाती है। अब नेक्स्ट आती है वो है 13 सितंबर 3rd शिफ्ट। इस बार आपने देखा होगा, और मैं भी इस वीडियो में जो जब मैंने ये वीडियो बनाई तो मैंने देखा कि 3rd शिफ्ट बार बार आ रही है, तो इससे ये पता चलता है कि जो SSC ने इस बार ऐसा किया है कि 1st शिफ्ट को थोड़ा कम लेवल पर रखा है, इजी रखा है, फिर थोड़ा 2nd शिफ्ट में थोड़ा लेवल बढ़ाया है और 3rd शिफ्ट को और ही अच्छे लेवल पर ले गए हैं। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि इस बार लगातार डेली हम देख रहे हैं कि 3rd शिफ्ट को थोड़ा अच्छा पूछा जा रहा है, ठीक है। 10 सितंबर को जो 1st शिफ्ट हुई थी इसी में ये 1st शिफ्ट सबसे हार्ड थी, उसके बाद 2nd और 3rd को थोड़ा कम लेवल किया गया था, और दिन देखा जाए तो 3rd शिफ्ट को अच्छे लेवल पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो 4th में आ जाती है हमारी 13 सितंबर को 3rd शिफ्ट। अब 5th नंबर पे है वो है 11 सितंबर शिफ्ट 1, इसमें भी 11 सितंबर को जो शिफ्ट 1 हुई थी और 11 सितंबर को शिफ्ट 3 हुई थी, ये दोनों ही हार्ड थी, इनमें बहुत ही कम मार्जिन है, तो पर मैंने ये 5th नंबर पे 11 सितंबर शिफ्ट 1 को रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 6th नंबर पर आती है 11 सितंबर शिफ्ट 3, तो इसमें भी जो शिफ्ट 3 आई थी वो भी हार्ड थी, ठीक है। तो 11 सितंबर शिफ्ट 3 आ जाती है 6th नंबर पर। और लास्ट 7th नंबर पर आती है वो है हमारी 10 सितंबर शिफ्ट 3, फिर से ये शिफ्ट 3 आ गई है। 10 सितंबर को जो शिफ्ट 3 हुई थी वो सबसे हार्ड 7 शिफ्टों में 7वें स्थान पर अपना स्थान बनाती है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये ओनली अभी तक हुई 24 शिफ्टों में से टॉप 7 हार्ड शिफ्ट हैं, ये मत समझना कि ये 36 शिफ्ट में से हैं, अभी 12 शिफ्ट बाकी हैं, उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस लेके आएंगे जिसमें इजी शिफ्ट भी बताई जाएंगी, हार्ड शिफ्ट भी बताई जाएंगी। इस वीडियो में ओनली ये टॉप 7 हार्डेस्ट शिफ्ट हैं, इन शिफ्टों में आपको जो बाकी शिफ्ट हैं उनकी तुलना में अच्छा नॉर्मलाइजेशन स्कोर जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये टॉप 7 हार्डेस्ट शिफ्ट हैं, ठीक है। तो जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपको क्या लगता है कि आपकी शिफ्ट को कौन से स्थान पर होना चाहिए। जिसकी टॉप 7 शिफ्ट में उनकी शिफ्ट का नाम है वो कमेंट करे, और जिसका नहीं है वो बताए कि उसकी क्यों होनी चाहिए, उसके कोई सेक्शन अच्छा पूछा गया, मैथ पूछा गया, या रीजनिंग पूछा गया, या जी की अच्छी पूछी गई, तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।